बकवास। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मी फराज अहमद, वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। स्टूडेंट्स, फ्रॉम लास्ट टू डेज आई अपलोडेड टू लेक्चर ऑन फर्स्ट यूनिट मैथमेटिकल टूर। टुडे दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑन बाइनोमियल थ्योरम। फर्स्टली वी रिवाइज लास्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने पास्कल ट्राइंगल डिस्कस की थी, उसको हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, उस लेक्चर को पहले रिवाइज करेंगे, फिर आगे हमने मूव करना है। तो मैं पास्कल ट्राइंगल को रिवीजन दूंगा, इसको हम बोल रहे हैं क्विक रिवीजन में देने वाला हूँ। तो जिन स्टूडेंट को लास्ट टाइम पास्कल ट्राइंगल जो उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक है कम्बिनेशन वाला समझ में नहीं आया था, तो वो भी मैं इस लेक्चर में रिवाइज करूँगा। फिर हम आज का जो लेक्चर है उसकी तरफ हम चलेंगे, जिसका नाम है फंक्शन। तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पास्कल ट्राइंगल बनाना सिखाया था, तो थोड़ा सा मैं आपको फिर बता देता हूँ किस तरीके से हम पास्कल ट्राइंगल को बनाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये जो पास्कल ट्राइंगल थी, इसको दिया किसने था? ये था ब्लेंडी पास्कल, नाम था साइंटिस्ट का, उसने ये ट्राइंगल के बारे में दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था ये ट्राइंगल दी क्यों गई थी, बिकॉज फाइंड द बाइनोमियल कोफिशियंट्स। बाइनोमियल कोफिशियंट्स को फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल को दिया गया। अब ये क्या थी स्टूडेंट्स, क्विक मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से मैंने आपको बताया था हम वन वन इस तरीके से प्लेस करते चले जाएंगे, यहाँ पर भी हम इस तरीके से वन वन डालते चले जाते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वन वन को प्लेस करना। अब यहाँ पर क्या है, देखो वन वन प्लस को इस साइड, स्टूडेंट इधर ध्यान रखना है, एरो वन और वन को प्लस करिए, इस एरो के नीचे हमने यहाँ पर क्या लिखना है, टू। फिर इन दोनों के गैप में जो एरो है और फिर यहाँ पर जो गैप में एरो है, इन दोनों को प्लस करो, वन प्लस टू कितना हो जाएगा, थ्री। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर एरो डालो इस तरीके से, और थ्री प्लस वन फोर, फोर डाल दो यहाँ पर। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एरो आएगा तो कितना बनेगा, सिक्स। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एरो आएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर फोर। एंड मूव ऑन, इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। अब ये हमें जो ये जो ट्राइंगल बनाई है, एक्चुअल में हम ना इसको किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये जो एन वन, ये जो सॉरी वन वैल्यू आ रही है, ये आ रही है एन इक्वल टू जीरो के लिए। यानी कि अगर ऐसी टर्म हो, फॉर एग्जांपल अगर ए प्लस बी की पावर ज़ीरो हो, उस वक्त बाइनोमियल कोफिशियंट कितना आएगा, सिंपल वन के बराबर आना है। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है, ये है एन इक्वल टू वन के लिए। स्टूडेंट यहाँ पर ये एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करनी है। जैसे अभी जीरो आया, अब वन भी आ सकता है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अब वैल्यूज आएंगे। तो हमने ये जीरो के लिए डिफाइन किया यहाँ पर। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है, ये एन की कितनी वैल्यू के लिए आएगी, टू वैल्यू के लिए। ये वाली किसके लिए आएगी, एन इक्वल टू थ्री के लिए। और ये किसके लिए आएगी, एन इक्वल टू फोर के लिए। अब मैं एक एग्जांपल इसके ऊपर दे देता हूँ। और एक बात और कि इसको हम पास्कल ट्राइंगल कहते हैं, बिकॉज की शेप जो है ना, वो एक ट्राइंगल जैसी होती है, दैट्स वाई कॉल्ड नोन एज पास्कल ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का यूज़ करके मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम पास्कल ट्राइंगल का यूज़ किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन आ जाता है कि ए प्लस बी का क्यूब फाइंड करो, या सिंपल हमें फार्मूला कहीं एग्जाम में भूल जाता है, तो हम क्या करें। और स्टूडेंट्स, अगर ना इसके साथ ये नहीं दिया हुआ कि आप एक्सपेंड करो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, उस वक्त आप डायरेक्टली यहाँ पर पास्कल ट्राइंगल का यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से, तो देखो ध्यान से, हमने क्या करना होता है, ए की सबसे बड़ी पावर थ्री से स्टार्ट करेंगे और बी की सबसे छोटी पावर ज़ीरो। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ए की पावर एक कम हो जाएगी, बी की एक पावर बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, ए की एक और पावर कम हो जाएगी, बी की एक और पावर बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, ए की पावर ज़ीरो हो जाएगी और बी की पावर कितना हो जाएगा, थ्री। अब आ जाओ एन इक्वल टू थ्री की, बिकॉज ये आपके पास थ्री है ना, तो ये आ गया एन इक्वल टू थ्री। बस यहाँ पर अब देखो कि कौन कौन से कोफिशियंट्स यहाँ पर हमने यूज़ करने हैं। ये आगे कोफिशियंट सबसे पहले क्या आएगा, वन, तो यहाँ पर हमने वन डाल दिया। फिर क्या आएगा, थ्री, तो हमने क्या डाल दिया, थ्री। फिर क्या आएगा, थ्री, तो हमने क्या डाल दिया, थ्री। फिर क्या आएगा, वन, तो हमने क्या डाल दिया, वन डाल दिया। अब यहाँ पर प्लस है, तो हर टर्म के बीच में क्या आने वाला है, प्लस प्लस प्लस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पास्कल ट्राइंगल का यूज़ किस तरीके से हम करते हैं। आपको मैं एक मिनट देता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वापस आके कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे मूव करते हैं। ये था हमारे पास पास्कल ट्राइंगल जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, मैंने क्विक रिवीजन इसको दे दी।
अब नेक्स्ट हम आगे कॉम्बिनेशन की बात की थी, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन पहले समझाता हूँ, फिर मैंने लास्ट टाइम आपको दो क्वेश्चन दिए थे बट बैड लक के किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो पहले मैं वो क्वेश्चन के आपको आंसर दूंगा फिर हम आगे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन एक्चुअल में मैथमेटिकल टर्म है और ये बाइनोमियल थ्योरम भी मैथ का टॉपिक है। अब फिजिक्स में तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि बिकॉज फिजिक्स में इसका यूज़ करना है, तभी आपको पता होना चाहिए कि ये बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। अब कॉम्बिनेशन क्या है, तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन को लिखते हैं, ये एन हाईएस्ट डिजिट नंबर होता है, यानी हाईएस्ट नंबर है, एक्स उससे छोटा होना चाहिए, इसको लिखने का तरीका है, और ये सी क्या है, इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं, ऊपर वाले नंबर है वो तो उसको फैक्टोरियल इस तरीके से लिखना है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों नंबर को क्या करो आपस में माइनस कर दो, एन माइनस एक्स फैक्टोरियल हो जाएगा इन टू, फिर किसका फैक्टोरियल हो जाएगा, एक्स का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये फार्मूला आई होप कि आपको पता चल गया होगा कॉम्बिनेशन का किस तरीके से ये फार्मूला है। अब पहले मैं वो इसकी एग्जांपल देते हुए मैं वो क्वेश्चन लिखूंगा जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिए थे। एक क्वेश्चन था स्टूडेंट 3C2 था, इसको मैंने कहा था आप सॉल्व करिए, लेकिन किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। तो हाउ इट इज सॉल्व, बस इस फार्मूले का आप देखो तो वैल्यू डालो, एन की जगह क्या आएगा 3 और एक्स की जगह आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा वो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 ब्रैकेट, फिर इसका फैक्टोरियल इन टू, फिर किसका फैक्टोरियल होगा 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो 3 फैक्टोरियल, फिलहाल अभी आप इसको एज इट इज ही रहो, 3 फैक्टोरियल ही रखो, 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 1 फैक्टोरियल इन टू क्या है 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ना आप दो तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप एक्सपेंड कर दो, या एक तरीका है कि इस 3 फैक्टर हमेशा याद रखना, जो भी ऊपर नंबर होगा उसको वहां तक एक्सपेंड करो जब तक नीचे वाला को नंबर मैच ना कर जाए। फॉर एग्जाम्पल हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, बिकॉज 2 फैक्टोरियल नीचे है तभी हमने ऐसा लिखा, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, एंड 2 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड नहीं करेंगे बिकॉज हमें ऊपर नीचे सेम मिल गया, तो हम इनको कट कर देंगे, तो हमें अपना आंसर कितना मिल जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और थी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको 4C1, इसका कॉम्बिनेशन फाइंड करना था आपको, तो क्या फार्मूला है इसका 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 1, फिर इसका फैक्टोरियल, फिर क्या है इनटू 1 का फैक्टोरियल। तो क्या करना है इसको, हमने 4 फैक्टोरियल को एज इट इज ही रखेंगे फर्स्ट स्टेप में, डिवाइड बाई नीचे क्या है 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर इनटू क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल। अब हम 4 फैक्टोरियल कहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल तक, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ से 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या आएगा सिंपल 4 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल तो 1 के बराबर होता है, तो हमें आंसर कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये एक नोट भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 4C1 एक्चुअल में जब कभी यहाँ पर 1 आ जाएगा, हमेशा याद रखना जब यहाँ पर 1 आ जाए तो जो नंबर यहाँ पर होता है वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट लास्ट टाइम मैंने ना यहाँ तक अपना जो लेक्चर कवर किया था, आप चलते हैं इसके आगे कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम बाइनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको रब करता हूँ, ये था हमारा लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, मैंने क्विक से रिवीजन दे दी एक। अब हम चलते हैं कि हम कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके किस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका मैं एक जनरल फार्मूला लिखता हूँ पहले, फिर हम इसके एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जनरल फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी की पावर एन की एक्सपेंशन हमने करनी है, लेकिन यूज़ किसका करना है हमें कॉम्बिनेशन का। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से आपने देखना है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर फार्मूला पहले देख लो, यहाँ पर हम क्या करेंगे n से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे n c 0 लिखेंगे, फिर क्या आएगा a की पावर n b की पावर 0, कोई फैक्टोरियल नीचे कुछ नहीं लिखना है, दिस इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत इजी फार्मूला है, बट एक बार समझ लो आप क्या करना है n c 0 a की पावर सबसे बड़ी b की पावर, ये तो एज इट इज सेम ही जैसे पहले हम चल के आए थे, प्लस अब स्टूडेंट आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस एन के एन को पीछे लेकर आने के लिए, अब ये एक सीधा ही हमने मूव करना, अब क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप एन सी वन आ जाएगा, ए की पावर अब एक और कम करनी है आपने, यानी एन माइनस वन आएगा और बी की पावर को एक बढ़ा